कुछ बातों का एक्सपीरियंस हमें बचपन से ही हो जाता है कि मतलब स्पेशली बात कर रही हूँ महिलाओं की, कि जब भी उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बात की जाती है या फिर उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके बारे में बात की जाती है या फिर उनके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनके बारे में बात की जाती है तो हम बहुत ही शर्माते हैं, नहीं बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो हम बेशर्म हो जाएंगे। और यही बात हमें बचपन से बोल के नहीं, कुछ बातों के थ्रू हमें समझ में आने लगती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बेशर्म कहलाएंगे। ठीक है, कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर आप लोग रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बार हमने देखा है कि जो हमारा भाई है या फिर फादर है उनके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो बाहर सुखा दिए जाते हैं, सबके सामने सूखे रहते हैं या फिर बाथरूम में भी होते हैं तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो फीमेल है, अगर उसके घर में बेटी है या फिर उसकी माँ है, अगर वो कपड़े सबके सामने अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं ब्रायन पेंटी अगर वो सबके सामने डालती है तो उनके घर में से ही कोई मेंबर उनको बोल देगा, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना, इनको छुपा के रखना है या फिर इनको साइड में डालिए ताकि सबकी नज़र में ना आए, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों? इसका कारण कुछ ये भी हो सकता है कि शर्म आती है क्योंकि जो फीमेल होती है उनकी जो पेंटी होती है उसके ऊपर एक बहुत ही भद्दा सा दाग लग जाता है, ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसका हमने कारण क्या है वो जाने की कोशिश नहीं की, कभी हमारी मदर से भी हमने नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, बस हो गया है। और हमें भी थोड़ी सी शर्म आती है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर कि जो फीमेल होती है उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं उनके ऊपर ऐसा दाग क्यों मिलता है। तो चलिए अब हम समझते हैं पूरी डिटेल में कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है, अगर ऐसा हो रहा है हमारी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो उस चीज़ को हम साइंस के वे में बात करेंगे कि साइंस क्या कहती है, हमारी जो बॉडी है वो क्या कहती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसको नाम क्या दिया जाता है। हम सभी जानते हैं उसको वजाइना बोलते हैं, बट नहीं, रुकिए जरा, इसको वजाइना नहीं, हम वल्वा बोलते हैं। वल्वा मींस कि जो सारी जो ओपनिंग्स होती हैं जो प्राइवेट पार्ट की जो ओपनिंग्स हैं मतलब वो उसके अंदर आके खुलती हैं। ठीक है, दो बाहर लेयर होती हैं, आप सभी को पता है, जहाँ पे एक जो लेयर है बाहर वाली वहाँ पे हेयर होते हैं, ठीक है, जो कि एक अगेन प्रोटेक्शन का काम करती हैं। एंड अंदर वाली जो होती है वो बहुत ही मॉइस्ट होती है, इसके अंदर सारी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये वजाइनल ओपनिंग जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब यहाँ से होके वजाइना का रास्ता बनता है। एंड यहाँ ये क्या है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है, जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो एरिया है ये कैसा होता है, ये हमेशा ही गर्म मिलेगा और नम मिलेगा, नमी मिलेगी इसके अंदर। और ये जो इसका तापमान है और इसका जो एनवायरमेंट बना हुआ है कि जो मॉइस्ट है और गर्म है, तो ये बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है किसके लिए, जो कि फंगस होता है उसके लिए या फिर कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसके लिए, क्योंकि इसके ऊपर वो तुरंत अटैक करते हैं, उनके रहने की ये बहुत ही एक अच्छी जगह होती है। ठीक, फिर ऐसा क्यों है? तो उससे बचाने के लिए भी जो नेचर है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि इसका जो लेवल है वो एसिडिक बना दिया, मतलब इसका जो नेचर है यहाँ का जो एनवायरमेंट है उसका नेचर एसिडिक बना दिया है। एसिडिक बनाने से मतलब क्या है कि इसका जो पीएच लेवल, हम बहुत बार एडवर्टीजमेंट में भी देखते हैं कि पीएच बैलेंसिंग, पीएच ये वो, ओके, तो जो पीएच लेवल है उसको कम कर दिया। देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो पीएच होता है, मतलब जब 7 होता है तो मतलब उसका क्या है, वो न्यूट्रल है, मतलब ना एसिडिक है ना ही बेसिक है, राइट। अब 7 से ऊपर होते ही 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, इस तरफ क्या है, मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब जो भी है वो क्षार की तरफ बढ़ रहा है। और अगर इस तरफ है 5, 4, 3, ठीक है, 2, 1, इस तरीके से अगर इस तरफ 7 से इधर हम चलते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, मतलब एसिडिटी बढ़ती है किसी भी चीज में, क्या है उसमें एसिड का नेचर आ जाता है। तो जो इस एरिया का जो एनवायरमेंट होता है उसका नेचर होता है 4.525, ये एक इसकी एसिडिक, इसका जो पीएच लेवल है। तो किसी भी चीज को मापने के लिए एसिड, ये एसिड है या फिर बेसिक है, उसका नेचर जानने के लिए हम उसको पीएच में मापते हैं, ठीक है, ये जो पीएच स्केल है इसके थ्रू हम उसको मापते हैं कि अगर कोई भी जो ऑर्गन है उसका पीएच लेवल 7 से कम है तो मतलब क्या है, वो एसिडिक है, अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। तो यहाँ का जो एनवायरमेंट होता है वो उसका नेचर कितना है, मतलब उसका जो पीएच लेवल है वो होता है 4.525,
ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। हम मोटा मोटा बात करें तो 4 से 5 के बीच में इसका नॉर्मल पीएच लेवल होता है, इतना होगा। मतलब ये एसिडिक होती है, ठीक है। तो एसिडिक है, इसका क्या महत्व है यहाँ पे? तो इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो हिस्सा है ये कैसा है, गर्म है और नम है, ठीक है। तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए ये एरिया एसिडिक होता है, ठीक है। और ये जो एरिया एसिडिक है इसलिए क्या है, उन जो इन्फेक्शन होंगे उनको ये खुद ही मार देगा या फिर उसको पनपने ही नहीं देगा, ठीक है, उसको पनपने ही नहीं देगा। और हमारी बॉडी की जो एक बहुत ही अच्छी, इस एरिया की बहुत ही अच्छी एक जो कैपेसिटी है कि अपना आपको ही ये क्लीन करती रहती है, ठीक है। यहाँ हमें बाहर से कोई साबुन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये नॉर्मल वाटर से भी क्लीन किया जा सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वॉशेज आते हैं, तो उन सबको यूज अगर नहीं भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बार उनको यूज करने लग जाते हैं तो उनकी आदत भी हो जाती है। आदत होने का क्या मतलब है, क्योंकि कंपनियां क्या चाहती हैं कि अगर आप एक बार प्रोडक्ट खरीदें उसको बार बार खरीदें, ठीक है, ऐसा कोई कारण तो होना चाहिए। तो अगर आप क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है, कि मतलब डॉक्टर से नहीं पूछा, सीधा ऐसे ही लिया, मार्केट से एड देखा और आपने खरीद लिया और आप उसको यूज करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ का जो पीएच लेवल है वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ का पीएच लेवल कैसा हो, मतलब 7 की तरफ आ जाए, न्यूट्रल की तरफ आ जाए या फिर इससे ज्यादा हो जाए, मतलब बेसिक नेचर की तरफ अगर चला गया तो क्या होगा, यहाँ पे जो फंगस होगा वो भी पनपने लगेगा और उसको बार बार आप वॉश करते रहोगे, इसकी वजह से जो वॉशेज आते हैं उनकी वजह से, तो आप उसको बार बार खरीदोगे, जो प्रोडक्ट है उसको आप बार बार खरीदोगे। तो ऐसा नहीं करना, जो मार्केट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए और अपने आप से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं वो ही आप यूज करें, अगर कोई दिक्कत हुई है तो, नहीं तो जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसका एसिडिक नेचर है, इसीलिए जो संपर्क में जो हिस्सा आता है, जो पैंटी पहनते हैं उसका जो हिस्सा कहाँ पे आता है, जो इस एरिया के संपर्क में आता है, वो कैसा हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है, मतलब उसका कलर जो है वो उड़ जाता है, बिल्कुल एक धब्बा जैसा बन जाता है, क्योंकि वो एसिड होता है। उसका नेचर कैसा है, जो भी डिस्चार्ज होता है, जो भी लिक्विड हल्का फुल्का आता है, तो वो कैसा होता है, लिक्विड, वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो जाता है, उसका कलर फेड हो जाता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए, हमें थोड़ा सा ये भी समझना है कि जो गर्भाशय है, ये फीमेल का जो बच्चेदानी है, ठीक है, ये इसका मुंह है, बच्चेदानी का मुंह, और यहाँ से ये रास्ता होता है जो कि जिसको हम वजैना बोलते हैं। तो इसके थ्रू ये जो एरिया है, ये यहाँ से भी बहुत सारे जो हम बोल सकते हैं लिक्विड्स, अलग अलग तरीके के लिक्विड्स, या फिर जो इसकी दीवार है यहाँ से भी कुछ लिक्विड्स निकलते रहते हैं, और यहाँ पे ये जो मुंह है, बच्चेदानी का मुंह, यहाँ से भी म्यूकस, ठीक है, जिसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं, वो भी नेचुरली थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, क्योंकि ये नेचर होता है कि अपने आप को क्लीन करना, जो बॉडी का एक बहुत ही अच्छा नेचर है। तो यहाँ पे भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि लिक्विड निकालती हैं, तो इस वजह से भी क्या होता है कि इस एरिया में जो जो कपड़ा होगा, जो पैंटी होगी, उसका जो क्लोथ होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, उसके ऊपर स्पॉट हो जाएगा, तो कोई दाग धब्बा हो सकता है। तो इसीलिए टाइम से आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको चेंज करने चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए, 1 साल के लिए इस तरीके से आपको यूज नहीं करना है, टाइम टू टाइम उसको चेंज कर लेना है, दूसरा नया ले लेना है, ओके। तो ऐसा हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो आई होप आज मैं आपकी हेल्प कर पाई होंगी, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आया है, तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि संडे को हमारा वीडियो किस तरीके का आता है, अवेयरनेस से रिलेटेड, ताकि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, उन प्रॉब्लम्स को समझ सकें कि ये चीज़ें शेयर करने लायक हैं या फिर नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगेन फीमेल हेल्थ की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे मार्च के महीने में हम महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि पिछले मंथ में हमने किसके बारे में बात की थी, पुरुषों के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।